हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम सेकेंड लेक्चर में का जो सेकेंड पैराग्राफ था जिस उसके आगे का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखेंगे, जो अगला पोर्शन है वो देखेंगे। तो देखो, वन मस्ट रिमेम्बर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ये जो सेंटेंस है हमने पिछले लेक्चर में भी लिया था, अब इस लेक्चर में क्यों लिया वो आगे समझेगा ही आपको। देखो, रिमेम्बर इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर बॉडी मास बढ़ गया तो ग्रोथ होगी, ये हमको ध्यान में रखना है, ये बोल रहा है। अगला सेंटेंस देखो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो भी ग्रो करेंगे अगर बॉडी मास बढ़ रही है तो। क्या बोले यहाँ पे, बॉडी मास अगर बढ़ रहा है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करेंगे ना भाई, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी क्राइटेरिया ग्रोथ का ही होगा। अगला पॉइंट देखो, माउंटेन्स बल्डर्स सैंड माउंट डू ग्रो, फिर जो माउंटेन्स है वो भी ग्रोथ करते हैं, बल्डर्स जो बड़े पत्थर है वो भी ग्रोथ करते हैं, सैंड माउंट जो रेत की रेत का ढिगार है वो भी ग्रोथ करेगा। अगला सेंटेंस देखो, क्योंकि नॉन लिविंग में ये सब आते हैं ना भाई, तो देखो दोस्तों अगला, और देखो आपको अपनी एनसीईआरटी में देखना है, ये लिखने का डाटा नहीं है, जो मैं एक्स्ट्रा नोट्स लिखूंगा वो यहाँ पे लिखूंगा, ये ओपन स्पेस पे, तो वहां पे आपने आपके एनसीईआरटी में नोट करना है। तो देखो, हाउएवर लेकिन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि माउंटेन्स बल्डर साउंड माउंट सैंड माउंट, तो इनमें कैसी ग्रोथ होती है, उनके पदार्थ के एक्यूमुलेशन से, जो सरफेस है उनकी सरफेस पे जो पदार्थ है वो एकत्रित हो रहे हैं, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ हो रही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो देखो, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। तो इस सेंटेंस से आपको पता चल गया होगा कि सरफेस पे ग्रोथ हो रही है, तो इनमें जो ग्रोथ है वो कैसी होंगी, आउटसाइड, आपके इनसाइड में लिख लो, आउटसाइड ग्रोथ हो रही होंगी। और जो इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीवित जीवों की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो कैसी है, इनसाइड। देखो ना, ऑब्वियसली कैसा है कि सरफेस पे अगर ग्रोथ हो रही है तो आउटसाइड होंगी, और ये अपने हम जो जीवित जीव है जैसे कि हम, उनमें ग्रोथ कैसी हो रही है, इनसाइड। अगला पॉइंट देखो, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो देखो, ऑब्वियसली भाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होंगी ये, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ हो रही है और लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, तो किसी एक में अगर ग्रोथ हो रही है और लिविंग में भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वही ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी सभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में अगर वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखाई दे रहा है, तो उसको हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, पर इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ग्रोथ को हम नहीं ले सकते, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का भी ग्रोथ हो रहा है बोल रहे हैं, तो फिर कैसे लेंगे भाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में, हम इसको नहीं लेंगे। कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। अगला पॉइंट देखो, कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। तो देखो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीवित जीव को हम उसके ग्रोथ की एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम उसको ऐसा नहीं मान सकते कि वो ये लिविंग हो सकता है बोल के, उसके लिए हमको जब सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि मेटाबॉलिज्म आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो रिप्रोडक्शन आता है, ग्रोथ आता है, इन सब को हमको स्टडी करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, तभी हम मान सकते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जीवित जीव, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है करके। अगला पॉइंट देखो, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। जो डेड ऑर्गेनिज्म है ना दोस्तों, वो कभी ग्रो नहीं हो सकते, उनमें ग्रोथ नहीं होती डेड ऑर्गेनिजम्स में, ये ध्यान में रखना है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे, आगे का पोर्शन देखेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये तो आप समझ में आया होगा ऐसा मान के मैं चलता हूँ, चलो बाय बाय।